पहलवानों का धरना जारी है। पहलवान बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बृजभूषण सिंह ने इसे राजनीतिक साजिश बताया है। आज किसान नेता राकेश टिकैत जंतर मंतर पहुंचकर धरने पर बैठे खिलाड़ियों को अपना समर्थन देंगे और इसी के साथ FIR दर्ज कराने वाली पहलवानों में से दो के बयान आज दर्ज किए जा सकते हैं। और पुलिस सूत्र बताते हैं कि FIR दर्ज होने के बाद जांच शुरू हो चुकी है। जांच प्रक्रिया के तहत ही CRPC की धारा 161 के तहत बयान दर्ज करने जरूरी है। सूत्रों का यह भी कहना है कि यह अभी तय नहीं है कि पीड़ित पहलवानों को थाने बुलाया करके स्टेटमेंट दर्ज की जाएगी या फिर पुलिस उनके पास जाएगी। तो देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी। मामले में आज दो पहलवानों का बयान दर्ज हो सकता है। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर मिल रही है। और आज समर्थन देने के लिए राकेश टिकैत भी जंतर मंतर जाएंगे। दिल्ली में पहलवानों का धरना चल रहा है और ये धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। और इसमें एक बड़ा अपडेट यह है कि दो पहलवानों का जो बयान है वो आज दर्ज हो सकता है। इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली में पहलवान धरने पर बैठे हुए हैं और आज किसान नेता राकेश टिकैत भी जंतर मंतर पर जाकर अपना समर्थन पहलवानों को दे सकते हैं। उनकी मांग है कि बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी हो। अब ऐसे में देखना होगा कि दो पहलवानों का जो बयान है वो भी दर्ज होता है। और साथ ही सूत्र क्योंकि ये बता रहे हैं कि पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश अभी कर रही है, जांच प्रक्रिया जारी है, तो अपडेट क्या इस खबर पर मिलता है देखना रहेगा। लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर पर अभी भी पहलवानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चारधाम यात्रा के दौरान खराब मौसम ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं और इसी दौरान सीएम धामी ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि मौसम ठीक होने तक यात्रा पर ना आएं। कहा है कि केदारनाथ में भारी बर्फबारी हो रही है, यहां की स्थिति अभी जटिल है, तो ये अपील की गई है यात्रियों से कि जब तक मौसम ठीक नहीं होता तब तक आप यहां पर यात्रा करने के लिए ना आएं। जब मौसम ठीक हो जाएगा तब दोबारा से यात्रा की शुरुआत करें। अभी स्थिति वहां पर थोड़ी सी कठिन है क्योंकि भारी बर्फबारी केदारनाथ में हो रही है, मौसम अनुकूल नहीं है अभी फिलहाल, और जब मौसम अनुकूल होगा तभी यात्रा के लिए आए, ये अपील मुख्यमंत्री धामी ने श्रद्धालुओं से यात्रियों से की। चूंकि 22 अप्रैल से शुरू हुई है और यमुनोत्री और गंगोत्री क्षेत्र में यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन केदारनाथ जी में लगातार पिछले 20 दिनों से लगातार भारी बर्फबारी हो रही है, उसके कारण से काफ़ी चूंकि वहां पर स्थिति जटिल है और हमने बार बार सभी से अनुरोध किया है कि जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री देश भर से यात्रा पर आ रहे हैं केदारनाथ जी की यात्रा वो तभी प्रारंभ करें जब मौसम के बारे में उनको ठीक प्रकार से उनकी जानकारी हो जाए मौसम ठीक रहने वाला है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी श्रद्धालु जो भी हमारे आस्थावान भक्तगण पूरे देश दुनिया से आते हैं उनको किसी प्रकार की वहां पर परेशानियों का सामना न करना पड़े। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।